2021 में सरकार ने खाद्य तेलों पर काफी फैसले लिए हैं। सरकार ने सरसों में ब्लेंडिंग पर भी रोक लगाई थी, जिससे सरसों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा और सरसों का जो स्टॉक था उसकी खपत ज्यादा होने लगी। ऐसे में सरसों की ज्यादा मांग बढ़ने से कीमतें भी बढ़ी। इस बार किसानों को सरसों ने काफी अच्छा मुनाफा दिया है। किसानों ने भी सरसों की जमकर बुवाई की। इसी बीच सेबी ने वायदा में काफी कमोडिटीज पर रोक लगा दी है, जो कि एक साल की अवधि के लिए जारी रहेगी। सेबी ने कुल 7 कमोडिटीज पर बैन लगाया है। इन 7 कमोडिटीज में चावल, गेहूं, सरसों, चना, मूंग, कच्चा पाम, सोयाबीन तेल जैसी कमोडिटीज शामिल हैं। इस पर सूत्रों का कहना है कि जब वायदा कारोबार में भाव नीचे चल ही रहे हैं तो इसका मतलब उपलब्धता पर्याप्त है, तो फिर खाद्य तेलों का आयात क्यों करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि अपनी खाद्य तेल की जरूरतों के लिए लगभग 65% आयात पर निर्भर देश के व्यापारियों और आयातकों को बेपरता भाव पर तेल की बिक्री क्यों करनी पड़ रही है। उन्होंने लागत से कम भाव पर बिक्री करने की बाध्यता पर गौर करने का सरकार से अनुरोध किया है। कुछ समय पूर्व स्टॉक लिमिट लागू होने की चर्चाओं के बीच व्यापारियों, तेल मिलों और किसानों ने सरसों के अपने सारे स्टॉक को खाली कर दिया था। इस वजह से समीक्षाधीन सप्ताह में सरसों तेल तिलहन के भाव में गिरावट देखी गई। सरसों की उपलब्धता काफी कम हो गई है और इसकी अगली परिपक्व फसल आने में अभी 2 से 2.5 महीने की देरी है। इस बार किसानों को सरसों के अच्छे दाम मिलने से सरसों की अगली पैदावार बंपर होने की संभावना है। इस बार इसकी बुआई का रकबा भी काफी बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।